फिर से हम सब कोई एक नए क्वेश्चन की ओर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज बताया था, छोटे छोटे क्वेश्चन लेके आए हैं, ये एमसीक्यू के रूप में है, इनको सॉल्व करना है। जैसे हमारे पास cos स्क्वायर a इक्वल टू है 1/2, cos a इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1/2 हो जाएगा, अंडर रूट पूरा 1/2 क्योंकि स्क्वायर लगा, स्क्वायर हटाएगा अंडर रूट 1/2 होगा। cos a इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/√2। अगर इसकी वैल्यू देखी जाए तो cos a बराबर ये cos 45 का मान होता है, cos से cos कट जाएगा, a बराबर आएगा 45। अब हमें क्या पूछा है, साइन स्क्वायर का मान बताइए, तो साइन स्क्वायर 45 डिग्री, साइन स्क्वायर 45 का मान क्या होता है, 1/√2 क्योंकि दोनों का मान सेम होता है, यहाँ पे भी 1/2 √2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो आपको कितना मिल जाएगा, 1/2 आंसर मिल जाएगा। एमसीक्यू में जो दिया रहता है जैसे दिया है 2, बी दे दिया 1/√2, सी दे दिया 1/2, डी दे दिया नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, तो आप इसमें कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे, दूसरा ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन है, tan a बराबर 4/3 हो तो cos a का मान बताइए, तो tan a बराबर 4/3। प्रीवियस वीडियो में, पहले वीडियो में मैंने बताया था कि tan a किसका क्या होता है, तो tan a बराबर क्या था, पाकिस्तान भूखा प्यासा, तो यहाँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा, इसको हिंदी में बोलते हैं लंब बटे आधार। हमें लंब और आधार पता है, यानी परपेंडिकुलर कितना है ये पता है, आधार कितना है ये पता है, ठीक है, लंब और आधार पता है कितना कितना क्या है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, हमने फॉर्मूला क्या बताया, हमें फॉर्मूला कि परपेंडिकुलर सॉरी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यही पढ़ाया था मैंने, तो इसको इंग्लिश बोलेंगे हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो सभी की वैल्यू पता है कितना क्या है, तो यहाँ पे हम कर्ण का वर्ग या हाइपोटेनस का वर्ग लिख सकते हैं, ठीक है, जय जो लिखो आप ही लगा दे रहा हूँ जिससे अच्छे समझ में आ जाए, चाहे हाइपोटेनस चाहे कर्ण लिखो, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश का और हिंदी वाले मीडियम हिंदी की। अब परपेंडिकुलर कितना है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर कर लो, यानी कर्ण का वर्ग और सॉरी लंब का वर्ग और आधार कितना है, 3 का वर्ग कर लो, 4 × 16, 3 × 9, 16 और 9 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब हमारा हाइपोटेनस या कर्ण कितना आ जाएगा, 25, वो भी अंडर रूट, क्योंकि स्क्वायर लगा स्क्वायर हटाएंगे तो 25 अंडर रूट का जाएगा, हाइपोटेनस या कर्ण हमारा आ जाएगा 5। कह रहा है कॉस ए कितना होगा आपका, अगर एमसीक्यू में ही क्वेश्चन में है कॉस ए आपका कितना हो जाएगा, तो कॉस ए बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण, आधार हमारा कितना है 3 है, कर्ण कितना है 5, इसको हम कह सकते हो हाइपोटेनस अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस हमारा कितना है 3 है और हाइपोटेनस 5 है। एक क्वेश्चन और छोटा सा डिस्कस करने के लिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 पर टैन स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या होगा, एमसीक्यू में ही केवल है, तो साइन स्क्वायर थीटा कैसे रहने देंगे, प्लस 1/tan² है, 1/tan² को क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा, फार्मूला तुरंत याद रखेंगे कि 1+tan² थीटा इक्वल टू क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा, अब 1/sec स्क्वायर थीटा इसका मतलब क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1/ में है तो जैसे ऊपर ले जाएंगे तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। यहां पे आंसर आपका क्या आ जाएगा, 1। अगर आंसर 1 आ रहा है तो आप इसको टिक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग।